बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है। और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्बिनेशन टुडे। वी हैव थ्री लेटर्स ए बी एंड सी। यू वॉन्ट टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। आपको ए बी सी में यू हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो आप सबसे पहले दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपके पास क्या होगा, ए बी, देन ए सी एंड देन बी सी। दीस आर द कॉम्बिनेशंस। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस। अच्छा, कॉम्बिनेशन को हम हिंदी में संचय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, संचय बोलते हैं। आपने सुना है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संचय मतलब क्या होता है, संचय मतलब इकट्ठा करना होता है। लेकिन इकट्ठा करना वहां इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक, पहले आपने 500 रुपया, फिर आपने 200 रुपये की नोट, और उसके बाद आपने 100 रुपये की नोट, तो अल्टीमेटली जो आपका संचय हुआ वो 800 रुपया हुआ। मीनिंग वेदर यू हैव 500, 200, 100 और 100, 200, 500 और 200, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो इन कॉम्बिनेशन वी डोंट टेक द ऑर्डर इनटू कंसिडरेशन। हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी ए बी कहिए या बी ए कहिए, एक ही हो गई। ए सी कहिए या सी ए कहिए, एक ही हो गई। बी सी कहिए और सी बी, एक ही हो गई। इज इट क्लियर। एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए तीन दोस्त हैं ए बी सी, ये एक पार्टी में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और इसमें ये बोला गया है कि भाई बताओ इनके कितने हैंडशेक्स होंगे, ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो अगर ए और बी हाथ मिला लेते हैं, हो गया खत्म। ए ने बी से मिलाया, बी से नहीं, ए से नहीं मिला। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए, ए बी, ए सी और बी सी, ए बी हो या बी ए, एक ही बात हो गई। मतलब इसमें क्रम का ध्यान नहीं है, क्योंकि दोनों को हम ए बी बी ए को एक मानते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां जो था, इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3C2। अभी बस यही समझिए, इसको हम क्या लिखते हैं, 3C2। एंड 3C2 की वैल्यू होती है 3 × 2 / 1 × 2। बहरहाल कितना हो गया, 3, आप देख लीजिए है 3। मतलब अगर हमारे पास ये तीन फ्रेंड्स हैं, पार्टी है, हैंडशेक्स करना है, तो हमने कह दिया कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए, 3। यहां से दिखा दिया गया, हमने इसको लिख करके दिखा दिया। मान लीजिए आफ्टर सम टाइम थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कोई गेम खेलते हैं कि सब एक दूसरे को झापड़ मारेगा। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स, साथ सोच के देखिए। अगर आप स्लैब्स की बात करते हैं तो यही शुरू हो जाता है कंसेप्ट किसका, परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं या आप जानते होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमचय। इन परम्यूटेशन यू हैव टू टेक द ऑर्डर इनटू कंसिडरेशन। मींस ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। ए ने बी को मारा, बी ने ए को मारा। ए सी एंड सी ए आर डिफरेंट एंड बी सी एंड सी बी आर डिफरेंट। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये परम्यूटेशन हो गया। इसका सिंबल क्या होता है, मैं वो पहले बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं ये 3P2 है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 6। एक बात अब तक स्पष्ट हो गई कि इफ वी हैव 3 different objects, 2 objects आर टू बी सेलेक्टेड। याद रखिए कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन इज सेलेक्शन। सो इफ 3 out of 3, 2 objects are selected, then the number of total selections or so called combination is 3C2 and its value is equal to 3. How it is coming, I have already told you. But if out of 3, 2 objects are being taken and arranged, meaning permutation is what? Arrangement. Do cheez samajh mein aa gayi? Arrangement. Permutation kya hota hai? Arrangement hai. इसको अरेंज करना है। यहां सिलेक्शन है और वो क्या है, परम्यूटेशन। मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट क्या क्या हो रहा है, ए बी है, देन ए बी बी ए है, ए सी सी ए है एंड बी सी सी बी। इज इट क्लियर। क्या सिंबल हो गया, 3P2, इट इज 3 × 2 = 6,
और यहां हमारे पास 3 से 2 हो गया, तो 3 into 2 by 1 into 2. Let's suppose that we have now 4 objects, that is 4 different letters A, B, C, D, and from here we want to take 2. We are going for combination. क्या combination लिखोगे? पहला combination देखो, A से start करते हैं, तो हम कहते हैं A, B, A, C, A, D, A का काम खत्म, A, B, A, C, A, D, फिर B से शुरू करो, तो हम क्या लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं B, C, B, D, and the last one is how much? C, D. आप दो दो को लेके जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सब मिला के 6 कॉम्बिनेशन हुआ. जो मैंने आपको एक फिगर बताया, जो आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसमें आपने क्या लिखा था, उसमें कहा था 4C2 को क्या लिखोगे, 4 into 3 by 1 into 2, 2 cancel, this is 6, देख लो 6 आ गया. लेकिन अगर इसको आप अरेंज करना चाहते हो, ये बेसिकली क्या हो रहा है, आप कह रहे हो कि भाई ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशंस है. लेकिन अगर आप परमुटेशंस की बात करते हो, तो परमुटेशंस मींस क्या हुआ, आप इनको अरेंज करना चाहते हो, क्या लिखोगे, निश्चित रूप से ए बी और बी ए होगा, ए सी और सी ए होगा, ए डी और डी ए होगा, बी सी और सी बी होगा, बी डी और डी बी होगा, और सी डी और डी सी होगा. देखिए, यानी ये आपके पास क्या हो गए, परमुटेशंस हो गए. और परमुटेशन में क्या हुआ, परमुटेशन में हो गया 4p2, और लिख क्या रहे हो, 4 into 3 that is equal to 12, देख लीजिए 6 12 है. इन दोनों में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, इन दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है, इन दोनों में रिलेशन आपको मिल रहा है 4p2 is equal to 4c2 multiplied by फैक्टोरियल 2. याद रखिएगा, ये नीचे वाला क्या है, फैक्टोरियल 2 है, ये क्या है, नीचे फैक्टोरियल 2 है, तो इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे. मतलब ये हुआ कि इफ देयर आर 4 फ्रेंड्स, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, दे वांट टू शेक हैंड विद ईच एंड एवरीवन, इफ वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ व्हाट हैंड शेक्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स विल बी व्हाट, ए बी ए सी ए डी, मींस व्हाट, देयर विल बी 6 हैंड शेक्स. बट इफ दे वांट टू give what, gift to each other, slap अच्छा नहीं लगता है, if they want to gift each other, then what is the total number of gifts, total number of gifts will be equal to 12. तो यहां पर क्या है, ये अरेंजमेंट हो गया, और वो क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया. अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं. हमने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि देर आर 10 पॉइंट्स आर ए सर्किल. देखिए, सर्किल पर कहने का मतलब हमारे पास क्या हुआ, कि कोई भी पॉइंट उसमें कोलिनियर नहीं है, नहीं तो ऐसे रहेगा तो रिस्क रहता है. दैट इज व्हाई वी से देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल. इट कुड बी गिवन देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स. अगर हमारे पास ए बी सी डी करके है, तो कार्ड ऐसे ऐसे बनेंगे, आउट ऑफ व्हाट, इफ यू, हमने कहा नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है, मेड ऑफ व्हाट, मेड ऑफ द Given points, given points. अब देखिए, अगर हमारे पास एक पॉइंट यहां है और एक सपोज कर दीजिए कि ये पॉइंट ई है, तो ए ई और ई एक ही हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन का सवाल हुआ. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, इसका आंसर क्या हुआ बताइए, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे बताइए, 10 है, 10 में से आपको दो लेना है, 10 में से दो लेना है, तो ये क्या हो गया 10c2. मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, 10 into 9 by 1 into 2, कैसे करते समझ, अगर 10c3 होगा तो क्या लिखोगे, 10 9 8 by 1 2 3, हम इसके और चर्चा करेंगे. पहले आप समझ लीजिए हम करते क्या है. तो कितना हो गया हमारे पास, 45, so there will be 45 cards. ये क्वेश्चन किसका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका कॉम्बिनेशन का. बट लिखा है कि देयर आर 10 रियल नंबर्स, then find the number of coordinates, number of coordinates formed from the given points. बिल्कुल ये सवाल मैं पहली बार, मैं rather I myself am, you can say, watching this question for the first time. I have not seen anywhere in any book, even मेरी किताब में नहीं दिया हुआ. देखिए, हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि
जब x और y मिला के हम कहते हैं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन अगर आप 2-3 कह दीजिए और 3-2 कह दीजिए तो दोनों डिफरेंट होगा। 2-3 एंड 3-2 आर डिफरेंट, याद है ना। 2-3 में एब्सिसा क्या है, 2 है, 3 क्या है, ऑर्डिनेट है। 3-2 में एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट। मतलब ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का नहीं है, किसका है, परम्यूटेशन का है। तो आप क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताइए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10p2 दैट इज 10 × 9, ओनली 10 × 9 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 90। मीन्स 10 पॉइंट से आप नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने बना सकते हैं, 10। जस्ट सी, जस्ट आई टोल्ड यू दैट 10p2 इज नॉट 10, 10p2 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, 10p2 means what, 10 × 9 that is equal to 90, not 10. I have told 10, that is not 10, that is 90. Okay, now just see, we have another example. अगर हम example number 3 लेते हैं, example number 4 लेते हैं, थोड़ा सा हम इसका level बढ़ाते हैं. We are given there are 10 points on a circle, then find the number of triangles made of the given points. अब देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा। अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, पहले तो ये देखिए ना कि ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3। कुल कितने पॉइंट्स दिए हैं, 10। और ट्रायंगल एबीसी, बीसी, एसी, एबी एक ही होता है, तो उस केस में हम कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी व्हाट, 10c3। क्लियर हुआ। तो 10c3 का मान कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 × 9 × 8 बाई हाउ मच, 1 × 2 × 3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 120 ट्रायंगल्स। मान लीजिए आपसे कोई क्वाड्रिलेटरल पूछता है तो आप क्या लिखोगे, 10c4 क्या होगा, 10 × 9 = 8 = 7 = 1 = 2 = 3 = 4, इज इट क्लियर नाउ। बट द सेकेंड वन इज कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 3 मेडल्स, दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, मे बी गिवन टू द 3 स्टूडेंट्स। याद रखिए यहां तो अंतर पड़ेगा, देखिए ट्रायंगल में अंतर नहीं पड़ेगा कि ट्रायंगल एबीसी है कि बीसीए है कि सीएबी है, लेकिन मेडल में तो अंतर पड़ेगा, भाई एक को गोल्ड मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ही सिल्वर ले लो हम, ऐसा नहीं होगा जी, जिसको गोल्ड मिलना है गोल्ड मिले। तो व्हाट आर द डिफरेंट परम्यूटेशंस, व्हाट आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स वी कैन टेक, सो हियर द आंसर विल बी, क्या इसका सोल्यूशन होगा जी, इसका सोल्यूशन होगा 10p3। अब अंतर समझ में आ रहा है, अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन, मैंने जानबूझ के एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप लोग, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये होगा 10 × 9 × 8, दैट्स ऑल। इसमें डिवाइड नहीं, फैक्टोरियल 3 नहीं लिखेंगे, वहां पर अगर 3 घटते हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं, 4 करते हैं तो फैक्टोरियल 4 से करते हैं, इज इट क्लियर। ये कितना हुआ जी, दिस इज इक्वल टू 720। अब देखिए, नाउ लेट अस रिवाइंड, हम लोग जो पढ़े हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, याद आ रहा है, एकदम मेरे साथ यात्रा करो बच्चों, ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स थे। हमने क्या कहा था कि दो दो का कितना ग्रुप बनेगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट सेलेक्शंस, सो द नंबर ऑफ सेलेक्शन वाज व्हाट, ए बी, ए सी एंड बी सी, कितने सेलेक्शंस थे, 2 थे। और इसको हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि ये 3c2 है। सो अब आप अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि npr इज इक्वल टू ncr इनटू फैक्टोरियल, npr का मान आपको पता है, आपको पता है कि npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है npr की वैल्यू। अभी हम उसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए npr में आप पढ़ चुके हैं, दैट इज परम्यूटेशन में। तो अब देखिए, आपने कहा था वी हैड 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस यानी नंबर ऑफ क्या सेलेक्शंस कितने थे, आपने कहा था 3c2। तो अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे साथ साथ यात्रा करना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम ले करके, एंड वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस,
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी एन सी आर, जो वहां हमने क्या बोला था 3C2, याद आ रहा 4C2, तो वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ कुल कितने ग्रुप बन गए, मैंने बताया था ना कि कुल कितने ग्रुप बन गए जी, ये हो गया 3C2, यानी कितने ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बन गए, लेकिन लिखते कैसे हैं हम NCR से, इज इट क्लियर। नाउ इन ईच ग्रुप देयर वर टू, सो दोस टू कुड बी अरेंज इन फैक्टोरियल टू वेज। अगर हम इस AB को अरेंज करें तो फैक्टोरियल टू मतलब क्या होता है, आप परमुटेशन पढ़ चुके हो, फैक्टोरियल टू वेज में अरेंज कर सकते हो, अगर 3 होगा तो फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज कर, 4 है तो फैक्टोरियल 4 वेज में कर सकते हो। तो आप लिखोगे बट ईच सेलेक्शन, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना, ईच सेलेक्शन, सेलेक्शन मीन्स वॉट, जिसको आप कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, याद है, ईच कॉम्बिनेशन हैज वॉट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक हर कॉम्बिनेशन में आर डिफरेंट, वहां पर हर कॉम्बिनेशन में कितना था, 2 था, उन दो को कितने तरह से अरेंज कर सकते थे, फैक्टोरियल 2 वेज में कर सकते थे, याद आ रहा, 3 था तो हमने 6 कर दिया था, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, यहां हम क्या लिखेंगे कि आर डिफरेंट जर्स, सो दैट कैन बी आर विच कैन बी, विच कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल आर वेज, तो उनको हम फैक्टोरियल आर वेज से अरेंज कर सकते हैं। याद रखिए हमारे पास कुल कितने ग्रुप होंगे, या कितने हमारे पास कुल कितने सेलेक्शंस हो गए एनसीआर, कुल कितने ग्रुप हो गए जी एनसीआर, एक को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल आर वेज से, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने जो वहां बताया था वही काम आप यहां भी कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट इज एनसीआर इनटू फैक्टोरियल आर, क्लियर हो गया। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज करना चाहते हो तो इसको आप लिखते हो किस से, एनपीआर से, सो एनपीआर इज इक्वल टू हाउ मच, एनसीआर इनटू फैक्टोरियल आर। मतलब ये हुआ कि अगर आपको एनसीआर की वैल्यू निकालनी है, याद रखिएगा, देयरफॉर एनसीआर की वैल्यू क्या हो गई जी, एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर बाई फैक्टोरियल आर, ये फार्मूला आपका हुआ। लेकिन इस फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको लिखें फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो आपने एनसीआर के लिए एक, याद रखिएगा, ये आपने फॉर्मूला निकाल लिया फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि सर वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप कर कुछ दूसरा रहे थे। देखिए अगर हमने कहा था कि 4C2 है, याद रखिएगा, तो 4C2 को हमने क्या लिखा था, हमने कहा लिखिए फैक्टोरियल 4, लिख दिया फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये भी कर दिया, और इनटू फैक्टोरियल 2 एज पर फॉर्मूला। इसको हम क्या लिखेंगे, 4 × 3 × क्या, फैक्टोरियल 2, और ये कितना है जी फैक्टोरियल 2, और ये कितना है फैक्टोरियल, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। मैंने आपसे सिर्फ कहा था कि आप लिखिए 4 × 3 / 1 × 2, मैंने डायरेक्ट ये बोला था। मतलब ये हुआ कि इफ देर आर 100 स्टूडेंट्स, अब मेरे साथ आप ट्राई टू नेविगेट विद मी, अगर 100 बच्चा लोग है और 100 में से हमें 3 बच्चों को मेडल देना है तो उतना सोचने का कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 100C3, और 100C3 की वैल्यू या तो आप फॉर्मूला में लिखो, और नहीं तो क्या लिखो 100 × 99 × 98 / फैक्टोरियल
थ्री कह दो या डायरेक्ट भी कह दो 199.98/1×2×3। ये बहुत आसान तरीका है, ऊपर से घट जाओ नीचे से बढ़ जाओ। अगर चार है तो क्या करोगे 199.98/97 नीचे से 1, 2, 3, 4। ये एक आपके पास फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा देखिए इसमें दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आपको NC0 निकालना है, NC0 माने क्या हुआ जी, देर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर टू बी टेकन, नो ऑब्जेक्ट हैज टू बी टेकन। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सपोज कर लीजिए कि देर आर 10 नंबर्स और कहते हैं कि 10 नंबर में से हमें कोई नंबर नहीं, तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है 10 में से 0 लेने का या किसी को नहीं लेने का, सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है और इसको हम क्या बोलते हैं NC0। दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं NC0 इज इक्वल टू 10 में से 10 लेने का तरीका 1 होता है। अच्छा जरा इसको देखिए, अगर NC0 उस हिसाब से करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल हाउ मच, 0 इंटू फैक्टोरियल हाउ मच n माइनस 0, यानी फैक्टोरियल n बाय 1 इंटू फैक्टोरियल n, समझ में आ रहा है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, n माइनस 0 फैक्टोरियल n होता है, ये फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल हुआ कितना हो गया 1। अगर फॉर्मूला से भी निकालना चाहो तो NC0 का मान कितना हो गया 1। हाँ अब क्या कर सकते हो कि therefore NCR को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, और यहां लिख सकते हो 0। ये समझ में आ रहा, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब वो NC0 से लेके और NCN तक हो। तो आपने नया चीज क्या सीख लिया कि भाई ये जो फार्मूला होता है वो इस पर लागू होता है, क्या 0 से लेके n तक लागू होता है। NC0 की वैल्यू होती है 1, NCR का फार्मूला होता है 1, और NCR और NPR में ये रिलेशन होता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछता है NCR तो हम कहेंगे कि इट इज NPR by what? Factorial R, यही दोनों में रिलेशन है। और एक और आपने देख लिया कि NC0 है और NCN का भी मान वही होगा। क्यों ऐसा होता है अभी हम बताते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही दो इतने यूजफुल रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं जिनका कि मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन पढ़ा है इन दोनों को नहीं जानकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इनका बहुत उपयोग होता है। सबसे पहले देखिए कि NCN-R इज इक्वल टू NCR, इसको जरा हम देखते हैं। अगर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ये वैल्यू कितनी है जी NCN-R। हमारे पास फार्मूला पता है NCR की वैल्यू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल हाउ मच N-R। उस फार्मूला के हिसाब से अगर करते हो तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n-R ऐसे होगा। उसी फॉर्मूला से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी ये हमारे पास हो गया फैक्टोरियल n, नीचे हो गया n-R फैक्टोरियल, और यहाँ n कैंसिल क्या हुआ जी फैक्टोरियल n ओबेस r, और दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू NCR। लेकिन अब प्रश्न ये है, ठीक है हमने ये फॉर्मूला जान लिया कि NCN-R, प्रैक्टिकली NCN-R नहीं होता है, लोग ऐसे यूज करते हैं NCR इज इक्वल टू NCN-R। ध्यान ये रखना है कि R शुड बी ग्रेटर देन व्हाट N/2। R का मान अगर सपोज कर लीजिए, इसका फायदा कब है, व्हेन R इज ग्रेटर देन, जब r का मान N/2 से बड़ा होता है तब ये ज्यादा यूजफुल होगा। छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कहते हो हमारे पास 100C98 है, तो जो मैंने बताया था उसे क्या करना पड़ेगा 199, 98, 97 और फिर 1, 2, 3, 4, 98। लेकिन अगर इस फार्मूला से हम यूज कर देते हैं तो क्या होगा 100C100-98 NCR इज इक्वल टू NCN-R एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 100C2 एंड नाउ इट इज हाउ मच 100×99। आसान हो गया, लेकिन फायदा कब हुआ, जब
ये जो वैल्यू है उसके आधे से अधिक होगा। ये कोई बहुत बड़ा मतलब लॉजिक इसमें नहीं है, सीधी सी बात है कि भाई आधे से अधिक होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये छोटा आ जाएगा। जैसे आप कहते हो कि हमारे पास 10C7 है, तो 10C7 करने से क्या होगा, इट इज 10C10-7 दैट इज इक्वल टू 10C3 एंड यू कैन राइट 10 × 9 × 8 / 1 / 2 / 3। लेकिन अगर 10C4 है तो उसको 10C6 लिखने का क्या है, तो आल बैल मुझे मार वाली बात हो गई। क्लियर हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू जब 5 से बड़ी होगी तभी ना घटने पर छोटा होगा जी। तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं आपने देख लिया। अब देखिए एक पार्ट और, अगर सब दूसरी बात यह है कि दोनों में एक साथ नहीं लगता है, ये नहीं कि इसमें भी लगा दिया इसमें भी लगा दिया, दोनों में से किसी एक में लगना चाहिए। लेकिन एक बहुत मोस्ट यूजफुल फार्मूला आपका ये है, और ये कभी कभी तो प्रूव करने के लिए भी आता है, NCR + NCR-1 = N + 1 CR, स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम वगैरह में। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड NCR + NCN-R - 1 कितना हुआ बोलिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फर्स्ट का हो गया। दूसरा का देखिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। फैक्टोरियल नोटेशन में आपने एक चीज पढ़ा था, शायद आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा, आपने कहा था कि अगर हमारे पास फैक्टोरियल एन है तो हम लिखते हैं एन इंटू वॉट, फैक्टोरियल एन माइनस वन। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 × 4 × 5 × फैक्टोरियल 4 या 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों में देखिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल r है और यहाँ पर क्या है जी, ये फैक्टोरियल r माइनस 1 है। मतलब अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। ये किसकी वैल्यू हमने लिख दिया, ये वैल्यू हमने इसकी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल r माइनस 1 है वो कॉमन हो जाएगा। और आगे देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल n माइनस r है, ये वाला यहां पर है। आगे बढ़िए, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, यहां फैक्टोरियल r माइनस 1 है, हम तो इसी के चलते हमने इसको किया था, याद आ रहा था थोड़ा, इसी के चलते मैंने इसको यहां पर इस फॉर्म में लाया था। और वो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है, वही वाला फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला बताया था कि फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिखोगे, 5 × फैक्टोरियल 4। ये n माइनस आर प्लस 1 है फैक्टोरियल, तो n माइनस आर प्लस 1 एक घटाएंगे तो n माइनस आर। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब सोचना ये है कि भाई ठीक है ये तो हो गया, लेकिन फैक्टोरियल n माइनस आर है तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये फैक्टोरियल n माइनस आर हो गया, यानी हमारे पास इन दोनों में से बहुत कुछ कॉमन हो गया। सबसे पहले क्या कॉमन हुआ, फैक्टोरियल n, नीचे क्या कॉमन हो गया, फैक्टोरियल r माइनस 1, एक और क्या कॉमन हो गया, n माइनस 1 r का फैक्टोरियल। इज इट क्लियर, फिर क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया 1/r और यहाँ बच गया 1 / n - r + 1। समझ में आ रही बात, जो कॉमन था उसको मैंने बाहर कर दिया, जो बच गया उसको लिख लिया, यानी हमारे पास फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ देखो बेटा n माइनस r प्लस 1 प्लस r, समझ में आ रहा, इसका इधर इन दोनों का आपस में r इंटू n माइनस r प्लस 1। देखो ये r r कैंसिल। अब जो हम कह रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकली अगर आप लिखते हो फैक्टोरियल 5 तो लिखते हो 5 × फैक्टोरियल 4, अगर हम कहते हैं फैक्टोरियल 7 तो इसको लिख सकते हो 7 × फैक्टोरियल 6, यानी 6 × फैक्टोरियल 6 × 7 है, तो 7 को इसको हम लेफ्ट में कर देते हैं,
क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7। इसको दिमाग में रखते हुए हम क्या लिख रहे हैं, देखो ये क्या हो गया n प्लस 1 है और यहाँ क्या है फैक्टोरियल n। तो अगर ये फैक्टोरियल n से पहले आ जाएगा, यानी अगर ऐसे आ गया n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं फैक्टोरियल 5 कहना चाहते हैं। और नीचे बताइए क्या है, नीचे इस तरह से दो चीजें मिल रही हैं, एक तो मिल रहा है r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल r माइनस 1 है और r यहाँ हो गया, और दूसरा मिल रहा है n माइनस r प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिखें n माइनस r प्लस 1 इंटू क्या फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे है जो मैंने अब बताया था आपको, ठीक वही वाला हम यूज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई जी फैक्टोरियल n प्लस 1, इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल r, इसकी वैल्यू क्या हो गई n प्लस 1, वही बात हुई n माइनस r प्लस 1 या इतना हो गया। समझ में आ रहा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है n प्लस 1 c r, ये क्या हो गया n प्लस 1 c r है, हम इसी को तो प्रूफ करना चाहते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर ऑल्सो एंड यू शुड लर्न ऑल्सो। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज देखने से पहले हम आपको दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं कम से कम उतने, उससे अधिक होंगे, अराउंड इट विल बी 110% क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते कर लेंगे। माने एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी, हर एक क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, पहली बात है। इसके अलावा हम बियॉन्ड एनसीईआरटी करके एक हम वीडियो बनाएंगे जो एक डेढ़ घंटे की वीडियो होगी, जिसमें दोस क्वेश्चंस विल बी मीट फॉर आपके प्रैक्टिस के लिए भी होगा, द चिल्ड्रन हु आर एस्पायरिंग फॉर 100% मार्क्स, प्लस दैट विल मीट फॉर जेईई आल्सो। तो वो आप दूसरी वीडियो बाद में देखिएगा, पहले हम यहाँ अगर यहाँ इफ देर आर 9 क्वेश्चंस सो विल डू 18 क्वेश्चंस मिनिमम, 18 से अधिक ही होगा। देखिए पहला, दूसरी बात है बिफोर वी स्टार्ट एट फर्स्ट लेट्स रिव्यू द वेरी फर्स्ट थिंग, भाई एनसीआर इज द व्हाट कॉम्बिनेशन, सिंबल फॉर कॉम्बिनेशन व्हेन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पहला हो गया सिलेक्शन है, ये अरेंजमेंट नहीं है, एनपीआर अरेंजमेंट होता है, यहाँ क्रम का यानी ऑर्डर इज नॉट टेकन टू कंसिडरेशन, पहला है। दूसरा हमने कहा एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, लेकिन प्रैक्टिकली जब करते हो तो अगर 10 सी 3 है तो हम लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, यही वाला फॉर्मूला है। दूसरा चीज जो हमने बताया वो ये था कि ये तो फॉर्मूला हो गया, दूसरा हमने बताया कि भाई देखो एन सी 0 और एन सी एन ये दोनों का मान होता है 1। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमने बता दिया आपको कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, शर्त यह है आर शुड बी ग्रेटर देन एन बाई 2। एक और फॉर्मूला हमने बता दिया कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, इतनी ही चीजें हमने अब तक पढ़ा है। नाउ जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन, वी आर गिवेन इफ एन सी 8 इज इक्वल टू NC2, तो कह रहा है कि find n, this is the first question of NCERT, NC8 is equal to NC2, then find, आप कहेंगे सर n is equal to n और 8 is equal to, ऐसा नहीं हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो NC8 is equal to how much, NC2, so you can have NC8 is equal to NC what, n minus 2, अभी तो बताया था NCR is equal to NCN minus R, this imply that 8 is equal to n minus 2, n is equal to n, yani n is equal to kitna ho gaya ji 10, aapse kya pucha gaya hai, therefore what is the value of nc2, it is 10 c2, what is the value of 10 c2, 10 into 9 by 1 into 2 that is equal to 45, ye first question to aapka ho gaya ji, it's very simple, kya aapne use kiya ncr is equal to nc n minus r। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन, अगर 20c3 का मान निकालना है तो आप लिखोगे, देखो बेटा 20 19 18 बाई 1 2 3 निकाल लेना,
अगर ये 20C4 होता तो 20, 19, 18, 17 by 1, 2, 3, 4, ज्यादा सोचना नहीं है कैसे हुआ। लेकिन जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है कि NC7 इज इक्वल टू NC3, याद रखिए ये B है, ये DAS1 का B है, तो हम ये एक्स्ट्रा हो रहा है, एक तो हो गया लेकिन हम उसे अलग सजा रहे हैं। तो NC7 इज इक्वल टू NC3, इसका मतलब कि NC7 इज इक्वल टू NCN-3, दिस इंप्लाइज दैट 7 इज इक्वल टू N-3, दिस इंप्लाइज दैट हाउ मच N इज इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ NC3 नहीं पूछा, जैसे वहां NC2 पूछा था, यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया। क्या पूछा है, कह रहा है कि 12CN का मान निकालिए, क्या निकालना है, देयरफोर 12CN इज इक्वल टू हाउ मच 12C10। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसलिए ट्विस्ट किया गया है ताकि अब आपको पता चले 12C10 का मान, उतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, फिर एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, 12C12-10, 12C2, 12×11/1×2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 66। ये तो सेकेंड हो गया साहब। क्वेश्चन नंबर 1 का ही अगर आप सी करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करिए 3C1 का मान 3, वेरीफाई करना है, प्रूव नहीं करना है। तो अगर आप कहते हो कि हमारे पास 3C1×4C2, तो ये हो गया 3, 4×3/1×2, दिस इज 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 9। ये किसकी वैल्यू हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 5C3। 5C3 को आप क्या लिख सकते हो जी, 5C5-3, दैट इज 5C2, समझ में आ रहा है, NCN-R, चाहो तो 5C3 पर भी कर सकते हो क्योंकि छोटा है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5×4/1×2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 10-1=9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो आपके पास एक क्वेश्चन था वहां हमने 3 क्वेश्चंस करा दिए। अब देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हम इसमें एक क्वेश्चन यहाँ ये वाला करते हैं। आपके पास दिया हुआ है कि 2NC3/NC3 इज इक्वल टू 12/1। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी जी, एन की वैल्यू निकालनी है। आप कई ढंग से इसको कर सकते हैं, या तो आप फैक्टोरियल से कर लीजिए। अगर फैक्टोरियल से करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2N, 2N-1, 2N-2/1, 2, 3, समझ में आ रहा है। यहाँ N, N-1, N-2/1, 2, 3 इज इक्वल टू 12/1। ये तो पहले कैंसिल हुआ, आप फैक्टोरियल लिख के भी कर सकते थे। अब देखिए जो आपके पास ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए क्या है, 2N है, 2N-1 है, 2×N-1 है, डिवाइडेड बाई N×N-1×how much, ये N-2 होगा जी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 2N-1, 2N-2, यहाँ पर है 2N-1 ही होगा, N 2N-1, और यहाँ पर होगा 2N-2, 2 कॉमन हो गया तो N-1 हो गया। तो हमारे पास कितना हुआ, N, N-1, N-2, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये कितना है 12/1 है। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, अब अगर सिंप्लीफाई करते हो तो हमारे पास कितना होगा जी, 4×2N-1=12। यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, ये 3 हो गया, तो हो गया 2N-1/N-2=3, यानी 2N-1=3N-6, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके देखिए तो हमारे पास कितना होगा जी, 3N-2N=-1+6, यानी N=5। देखिए द क्वेश्चन विच इज गिवन इन NCERT, और जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये स्लाइटली उसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वहां जो दिया गया है वो आसान सवाल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। आपको दिया है 28C2R/24C2R-1=225/11, वो रेशियो के फॉर्म में दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। अगर इसको आप करना चाहें तो लिखेंगे फैक्टोरियल 28 2R×28
माइनस टू अर्थ, ये तो फर्स्ट हो गया। इसको जब करते हैं तो डिवाइडेड बाई, फिर हम करते हैं फैक्टोरियल 24 बाई फैक्टोरियल 2r माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 24 माइनस 2r माइनस 4 इज इक्वल टू 225 बाई 11। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए 28 डिवाइडेड, 28 को हम लिखते हैं 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल ये हो गया, डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये 2r है तो हम लिख सकते हैं 2r, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 एंड 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल। याद रखिए ये फैक्टोरियल अलग है, ये फैक्टोरियल अलग है। हमने क्या किया, दिस मच डिवाइड बाय दिस, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखिए पहले तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 2r माइनस 4, ये हो गया फैक्टोरियल 2r माइनस 4, और यहां पर हो गया देखिए 2r कैंसिल, यहां कितना होगा जी फैक्टोरियल 4, तो हमने यहां पर क्या कह दिया, ये फैक्टोरियल हो गया इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 24, मैंने उल्टा कर दिया, देखिए 24 से 24 कैंसिल, ये ठीक है, और ये फैक्टोरियल 2r4 से फैक्टोरियल 2r4 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 225 बाय 11। अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो सामान्य क्वेश्चन नहीं है, वो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के बहुत बियॉन्ड है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका बहुत कुछ टेस्ट होगा, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने बहुत लंबा चौड़ा नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ये आर का फोर पावर आ जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमको यहाँ यूज करना है अपना, क्या अपने इंटेलेक्ट को यूज करना है। देखिए हम क्या इसको लिख रहे हैं, कैन वी राइट 2r, देन 2r माइनस 1, देन 2r माइनस 2, देन 2r माइनस 3, हम उधर लेके चले गए, इज इक्वल टू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 225। हमने इसको कुछ नहीं किया, छुआ नहीं है, पहले हम ऐसे कर लेते हैं। अब जरा देखिए 25 एंड दिस वन 9 एंड 9 थ्री जा, मीनिंग आपके पास हो गया 28 इंटू 26 इंटू 3 इंटू 11। मेरे साथ साथ यात्रा करिएगा, मतलब बिल्कुल ये आपके लिए नया अप्रोच है जो शायद आप पहली बार कर रहे होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2r है, 2r माइनस 1 है, 2r माइनस 2 है और 2r माइनस 3 है, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, चार कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग जो नंबर्स हैं ये उनका प्रोडक्ट है, यहाँ इस तरह से आ रहा है। आप इसको जब ध्यान से देखिए तो ऐसा कर सकते हैं क्या, इज इट 28, याद रखिएगा इट इज 28 को हम लिख रहे हैं 14, ध्यान से देखिएगा, एक यहां से दो आ गया इंटू लिख रहे हैं 13, फिर एक दो यहां से आ गया, दो दो चार हो गया और तीन, यहां कितना हो जी 12 इंटू 11, दैट्स ऑल। अगर आपने ये वाला फॉर्मेट ला दिया और इसको आपने इससे कंपेयर कर दिया 2r, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 एंड 2r माइनस 3, फिर आपको क्या सोचना है, यही वो जगह है जहां आपका क्या, अदरवाइज एक सामान्य विद्यार्थी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये करेगा, आर का पावर फोर करेगा। अब देखिए ना, ये चारों कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, चारों कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, किसी को कंपेयर कर लीजिए, फर्स्ट को लास्ट से कर लीजिए या इसको इससे कर लीजिए, तो आपने इसका मतलब क्या कह दिया, 2r इज इक्वल टू 14, देयरफॉर r इज इक्वल टू 7, आपने कह दिया कि भाई हमारे पास r इज इक्वल टू 7 आ गया।
याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये वाला जो स्टेप था, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, आपने इसको पहली बार देखा होगा। हाँ, आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि भाई आर सी सिक्स की वैल्यू निकालिए, मतलब आर तो निकालना ही पड़ेगा, आर की वैल्यू सेवन आ गई, लिखिए सेवन सी सिक्स दैट इज सेवन सी सेवन माइनस सिक्स दैट इज सेवन सी वन दैट इज इक्वल टू सेवन। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एनसीईआरटी। इट्स गिवन देर आर 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, देन टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स। हम पहले कह चुके हैं भाई नंबर ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, आप लिखोगे नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू हाउ मच, कितने हैं जी 21, तो यू विल राइट 21 सी टू, दैट्स ऑल। वैल्यू आप निकाल सकते हो 21 इंटू 20 बाई 1 इंटू 2 दैट इज 10 दैट इज इक्वल टू 210। दैट इज द क्वेश्चन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट द क्वेश्चन आई हैव गिवेन फॉर यू इज स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन। जस्ट सी इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवेन दैट अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। याद रखिएगा इफ द पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, हम क्या लिखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि लेट देयर आर n sides in the polygon, polygon के n sides हैं, पहला क्लियर हो गया, तो n vertices भी होंगे, therefore number of vertices कितने होंगे जी, number of vertices will be equal to how much n, मैं एक छोटा सा example बता रहा हूं, अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक पेंटागन है, आप पहले इसको ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई, ये पेंटागन है, पेंटागन क्या हुआ जी 1 2 3 4 5, ये 5 साइड का क्या है, तो अगर 5 साइड का है तो 5 वर्टिसेस होगा, अब बताइए अगर 5 वर्टिसेस होगा सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, the line segments will be what, a b b c c d, then this one, then this one, then this one, then you understand, then this one, like this, so what is the number of diagonals, number of diagonals will be total number of line segments minus the number of sides, kya hum likh rahe hain, number of नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा जी, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, याद रखिएगा लाइन सेगमेंट में क्या होता है, साइड्स भी हैं और डायगोनल भी हैं, माइनस नंबर ऑफ साइड्स, भाई इस वाले में साइड्स भी लाइन सेगमेंट है और डायगोनल भी लाइन सेगमेंट है, n साइड का पॉलीगन है, तो इन्होंने कहा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है 44 था, तो 44 डायगोनल्स है, तो 44 डायगोनल्स में क्या होगा जी n c 2, व्हाट इज n c 2, n c 2 इज द टोटल नंबर ऑफ क्या लाइन सेगमेंट्स माइनस n, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स माइनस नंबर ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ डायगोनल्स। आप अपने से एक पेंटागन खींच करके या हेक्सागन लेकर के या क्वाड्रिलेटरल करके देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल लीजिए, क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या किया, 4 पॉइंट्स लिए, कुल कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए, 6 हो गए, क्यों 4 में से 2 लिखिए, 4c2, 4c2 4 × 3 / 1 × 2 = 6, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 4, तो 4c2 माइनस 4 करिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं 2 होते हैं, क्लियर हो गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज एक तरह से फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू एन सी टू माइनस एन, व्हाट इज एन सी टू, एन सी टू इज द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दोगे तो एन सी टू मीन्स व्हाट, एन इंटू एन
by 1 to 2 minus n is equal to how much? N square minus n minus 2n is equal to how much? अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा, n square minus n, ये 2n हो गया, is equal to 44, ये 2n हो गया इधर जाएगा और into how much? 2, यानी n square minus 3n minus what? 88 is equal to 0. कैसे सिंपलीफाई करेंगे? This is n square minus 11s plus 8n minus 88. n कॉमन ले लीजिए, n minus 11, 8 कॉमन लीजिए, n minus 11 is equal to 0. This imply that n minus 11 or n plus 8 is equal to 0. So what is the value of n? n is equal to, याद रखिएगा, ये question हमने आपको अलग से दिया था. This imply that n is equal to 11 or n is equal to minus 8. ये तो नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि number of sides पूछ रहा है. So what is the number of sides of the polygon? Number of sides of the polygon will be 11. बिल्कुल आपने नया चीज सीख लिया जो NCERT में नहीं दिया. See, question number 4 of NCERT, it's given that there are 5 boys and 4 girls and we have to make a team of 3 boys and 3 girls. In how many ways this team can be made? Very simple. बस एक चीज याद रखिएगा, जहां and आता है वहां multiply करते हैं और जहां r आता है वहां हम प्लस करते हैं. याद है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो चीजें आपने देखा था, एंड और r वाला प्रिंसिपल. यहां पर एंड है तो आप कहते हो कि भाई फाइव बॉयज में से हमें थ्री बॉयज को लेना है, फाइव बॉयज में से थ्री बॉयज को अगर लेना है, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थ्री बॉयज फ्रॉम फाइव बॉयज इज इक्वल टू हाउ मच? 5c3. And three girls from four girls will be equal to how much? 4c3. So that is the required number of teams. ये अलग बात है कि इसको आप लिख सकते हो, याद आ रहा है? क्या लिख सकते हो? 5c2 और 4c3. याद आ रहा है? NCR is equal to NC n minus R. उस हिसाब से 5c3 को 5c2 कर लोगे, 5c3 को 4c1 कह दोगे. This is equal to 5 into 4 by 1 into how much? 2 और यहां पर 4 हो गया. That is equal to how much? 40. ये अगर हम कहते हैं तब, अब देखिए मैं यहां एक चीज और सिर्फ बता देता हूं आपको, आप इसको याद रखिएगा. अगर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हो जाता है और कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो वहां हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल, क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? ये टोटल है, सब मिला कितने हैं? 9 कैंडिडेट्स हैं और 9 में से कितने लेना है? 6. तो हम कहते हैं 9c6, तो 9c6 से डिवाइड कर देंगे. अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आप इतना समझ में आ गया कि वो दिमाग में आप रख लीजिए, ऐसा हो सकता है. लेकिन जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है, जो क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. क्वेश्चन क्या है कि अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 स्टूडेंट्स इज टू बी व्हाट? सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स. फुटबॉल टीम ऑफ 11. सो द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी मेड इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड. देखिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब तो आपका, माने कोई कंडीशन नहीं है तब क्या करोगे? तब तो चुपचाप कह दोगे कि भाई 16c हाउ मच? 11. दैट्स ऑल. 16c11 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो बन गया. लेकिन इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 16 प्लेयर्स हैं, लेकिन 16 प्लेयर्स में दो ग्रुप हो गया. एक ग्रुप हमारे पास क्या है? ये दो का है. याद रखिए हम एनसीईआरटी के से हट के और थोड़ा डिफरेंटली जा रहे हैं. तो क्या हुआ, कह रहे कि 16 में से दो पर्टिकुलर हैं और दो जो है, जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया भाई गोलकीपर और जो फॉरवर्ड होता है वो एकदम रहवे करेगा. व्हाट एक्चुअली यू टू आउट ऑफ 16 टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, द टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर टू इट, मीनिंग वी हैव आउट ऑफ 16 में दो ग्रुप है, एक टू का है और एक क्या है 14 का है. पहला क्लियर हो गया.
अब क्या कह रहा है, करेक्ट, दीज टू आर टू बी इंक्लूडेड। इन्होंने लिखा है कि इंक्लूड टू पर्टिकुलर प्लेयर्स, अगर आपको दो पर्टिकुलर प्लेयर्स को इंक्लूड करना है तो ये दो में से दो तो रहेगा ही, लेकिन आपको प्लेयर कितना है, 11, 11 में से दो हो गया, तो 14 में से कितना लेना होगा, 14 में से 9 लेना होगा। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट केस, क्या, व्हेन टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर, टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम। तो 16 हैज गॉट टू ग्रुप्स ऑफ 2 एंड 14, टू पर्टिकुलर फ्रॉम 2, 9 फ्रॉम हियर, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ टीम्स, सो नंबर ऑफ टीम्स विल बी इक्वल टू 2C2 इनटू 14C9। इसको आप लिख सकते हो, दैट इज 1 × 14C5, 9C, 14C9 को हम लिख रहे हैं, 14C5, उसको आप कैलकुलेट कर लेना, 14, 5, 13, 12 ऐसे करके, ठीक है। दूसरा जो, दूसरी जो केस है वो बड़ा डिफरेंट है, कह रहा है कि टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब क्या हुआ साहब, हमारे पास 16 है, दो ग्रुप हो गया 2 और 4, तो यहां से हमें क्या लेना है, इनको लेना ही नहीं है, दो में से जीरो लेना है, उनको छोड़ देना है, तो हम कहते हैं ठीक है जीरो ले लेंगे। और यहां से हम कहते हैं कितना चाहिए भाई, प्लेयर तो आपको 11 चाहिए, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2C0 मल्टीप्लाइड बाई 14C11, दैट इज 1 × 14C3, याद है 14 − 11, इसको आप लिख सकते हो 14, 13, 12 / 1, 2, 3, बिल्कुल डिफरेंट सवाल, एनसीईआरटी में कोई सवाल ऐसा नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, इट्स गिवन दैट देयर आर 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, 9 बॉल्स आर टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस लॉट, बट द कंडीशन इज कि देयर शुड बी 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो आप 9 नहीं कह के ये भी कह सकता था कि भाई इन हाउ मेनी वेज 3 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स, यहां से 3 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। वेरी सिंपल, वहां 2 था, यहां 3 है, हम क्या लिख रहे हैं, 6C3 × 5C3 × how much 5C3। अगर 6 रेड है, 5 व्हाइट है और 5 ब्लू है, तो हमने कह दिया 6C3 5, क्यों, क्योंकि 3 बॉल्स, आप सोचेंगे नहीं कि ये एन क्या हो गया, 9 क्या हुआ, व्हाट इज गिवन, 3 बॉल्स आर ऑफ 1 कलर, मतलब 3 एक कलर का, 3 एक कलर का, सब मिलाकर 9 हो गया, तो हमने लिखा कि 6C3 × 5C3 × आप यहां नहीं छोड़िएगा, आप इसको 5C3 को 5C2 करके कलेक्ट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो गया। नाउ द सेम क्वेश्चन, इट्स गिवन दैट अ कमिटी ऑफ व्हाट, 4 अमेरिकन्स, द क्वेश्चन व्हाट आई एम गिविंग, a committee of 4 Americans, 3 Englishmen and 2 French is to be formed. So what is the number of committees if there are 7 Americans, 6 Englishmen and 4 Frenchmen? So what is the total number of committees? Number of committees will be equal to 7C4 × 6C3 × 4C2. You can have 7C3 6C3 4, NCR is equal to NCR, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना चाहिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये तो एक पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया हो गया, उसके क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हो गया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और आपसे ये कह देता है कि भाई हमको एक कमेटी तो बनानी है, कितने, 9 लोगों की कमेटी बनानी है, लेकिन उसमें 2 अमेरिकन रहबे करेंगे, जो बताया था 2 पर्टिकुलर अमेरिकन्स विल ऑलवेज बी देयर, तो अगर 2 अमेरिकन रह जाएंगे तो कमिटी आपको 9 की नहीं बनानी है, इसका मतलब कि 2 अमेरिकन को रहना ही है, और यही कंडीशन है कि सब मिला के 4 अमेरिकन ही रह सकता है, तो अगर 2 रहेगा ही रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो हमारा ग्रुप है उसमें 7 में से 2 चला गया, तो क्या हुआ 5C2
फिर 6C3 और 4C क्या 2, और ये 2C2 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि उस सात में से दो ग्रुप हो गया है, जो दो रहना है वो पहले से ही किनारे हो गया। माने क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी, इट्स गिवन दैट देयर आर 52, देयर इज अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड आउट ऑफ 52 कार्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव कार्ड्स आर टू बी सेलेक्टेड। बट कंडीशन ये है कि जितना भी उसमें कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें हर कॉम्बिनेशन में एक एस जरूर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। एक तो हमारे पास पता है कि सब मिला के कितने कार्ड्स हैं, एसेस कितने हैं, 4, भाई 4 किंग्स हैं, 4 क्वींस हैं, 4 जैक्स हैं, 4 एसेस हैं, सो देर आर 4 एसेस एंड देर आर 48 अदर कार्ड्स, बाकी सबको हम अदर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशन दी गई है। अब कह रहा है कि जो भी फाइव कार्ड्स निकलेगा उसमें एक कार्ड एस होना ही चाहिए, यानी यहां से हमारे पास एक कार्ड आएगा, एक एस होगा यहां से, और बाकी के जो चार कार्ड्स हैं 48 में से निकलेंगे, यानी वन कार्ड हैज टू बी टेकन फ्रॉम व्हाट, 4 एसेस। सो व्हाट इज दिस, 4C1 एंड 48 में से चार, तो हमने क्या लिखा, 48C4। अगर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता तो हम क्या कहते भैया 52C5 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ व्हाट एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब खाली सुनिए, अभी करिए नहीं, कुछ कंफ्यूज मत करिएगा, ये समझ में आ गया। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में कह रहा है कि भाई हमको पांच कार्ड सेलेक्ट करना है, तो 52C5 नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन दे दिया गया कि जितना भी कॉम्बिनेशन पांच पांच का ग्रुप बनेगा उसमें एक एस जरूर चाहिए, यानी पूरा 52 कार्ड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या कर दिया, हमने कह दिया कि भाई एसेस कितने एसेस होते हैं, 4, और बाकी 48 कार्ड्स को हमने एक साथ कर दिया, तो जो 4 एसेस है उसमें से एक एस आएगा, तो हमने क्या कर दिया, 4C1, एक रहेगा ही रहेगा, बाकी के चार, बाकी जो बच गए हैं 48, तो हमने क्या लिखा, 48 से। इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लिए। नाउ द सेकेंड द क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू फ्रॉम, देयर आर 52 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर टू बी सेलेक्टेड। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 4 कार्ड्स आर रेट कार्ड्स, कह रहा है कि 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड लेने हैं, तो ये 4 कार्ड्स क्या है, रेट कार्ड्स है। अगर रेट कार्ड्स होगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 52C26, बस इतना ही कह दीजिएगा। रेट कार्ड कितना होता है जी, 26 होता है। कह रहा है कि हार्ड कार्ड कितना होता है जी, ये होता है 52C13, दिस इज द आंसर, इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अगर आपको, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, इन्होंने कहा है कि चार इसके जो होंगे वो क्या होंगे, 52 कार्ड्स में से चार हमारे पास क्या होने हैं, रेड कार्ड्स होने हैं। तो हमारे पास जो 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में हमारे पास रेड कार्ड है और ब्लैक कार्ड है। रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं जी, 26 है, और ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26 है, लेकिन हमको चार कौन से कार्ड निकालने हैं, रेड कार्ड निकालने हैं, तो हमने लिख दिया 26C4। अगर पांच कार्ड निकालने होते, याद रखिएगा पांच कार्ड, तो क्या लिखते, 26C4 × 26C1, क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि हार्ट कार्ड माने क्या जी, कि यहां पर हमारे पास कितना है, 13 है, और यहां पर कितना है, 39 है, 39 क्या है, हार्ट है ना, हार्ट है, स्पेड है, देन क्या, डायमंड है, वो जो चार होते हैं, तो इस 13 में से 4 ले रहे हैं, 13C4 हो गया। अगर आपसे कहता है कि 5 कार्ड्स लेने हैं, तो आप क्या लिखते हैं, 13C4 × 39C1, इज इट क्लियर। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, आउट ऑफ 17 प्लेयर्स there are 5 bowlers, but the team which is to be constituted must have 4 bowlers. ये समझ में आ रहा है, कुल कितने खिलाड़ी हैं जी, 17, कितने की टीम बनानी है, 11 की, उस 17 में हमारे पास चार क्या हैं, bowlers हैं, यानी bowlers हमारे पास चार हो गए, सॉरी bowlers कितने हैं, 5 हैं, तो हमारे पास बाकी के जो players हैं, यानी जो other players हैं, वो कितने हो गए, हमारे पास 12 other players हो गए,
आउट ऑफ 17 प्लेयर्स इफ 5 आर बॉलर्स देन हाउ मेनी 12 आर अदर प्लेयर्स। क्रिकेट टीम कितने की होती है ये तो आप लोगों को बहुत जानकारी होगी। क्रिकेट टीम कितने की होती है, क्रिकेट टीम 11 की होती है, हालांकि उसमें दिया हुआ है कि भाई देर आर 11 प्लेयर्स, लेकिन 11 प्लेयर्स में कंडीशन कह दिया है कि भाई चार बॉलर हमको चाहिए ही चाहिए। तो चार बॉलर मीन्स वॉट, दिस फोर बॉलर्स विल कम फ्रॉम वॉट, फाइव बॉलर्स स्टिल हाउ मनी आर लेफ्ट, भाई चार हो गए तो ये सात प्लेयर्स और चाहिए, तो दीज सेवन प्लेयर्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम वॉट 12 अदर्स, यानी फोर बॉलर्स फ्रॉम फाइव, क्या 5C4 एंड हाउ मच 12C7, 7-4=11 हो गया। इसको आप चाहो तो ले सकते हो 4C5C1 इंटू 12C5 मल्टीप्लाई करके निकाल लो। दिस इज द क्वेश्चन टीम कैन बी कंसिडर्ड। अब जो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो देखिए, देर आर 16, क्या ये थोड़ा सा उससे हटके है जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है उससे हमने थोड़ा हट के क्वेश्चन लिया है कि देर आर 16 प्लेयर्स, आउट ऑफ 16 प्लेयर्स 5 आर बॉलर्स 2 आर विकेट कीपर्स, तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो अदर्स हो गए, माने अदर्स क्या हो गया जी 9 क्या हो गए अदर प्लेयर्स हो गए, यहां तक तो क्लियर हो गया। आउट ऑफ 16 क्या दिया हुआ है 5 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स आर देयर, पूरा जो 16 जो है उसमें ये है और 9 तो अदर हो गए, लेकिन कह रहा है कि जो टीम बनेगी उस टीम में द टीम विल कंसिस्ट ऑफ मस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर, यानी यहां से 3 जरूर आएगा और यहां से 1 जरूर आएगा। आई होप इट्स क्लियर कि टीम में 3 बॉलर्स होने चाहिए और 1 विकेट कीपर, तो 3-1-4 हो गया, तो बाकी के जो 9 है इसमें से 7 प्लेयर्स आ जाएंगे, मीनिंग द नंबर ऑफ टीम्स कितना हो गया जी, नंबर ऑफ टीम्स कितना हो गया 5C3, 5C3 क्यों, 5 में से 3 बॉलर्स और 2C1 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं क्या 9C7, यानी कितना हो गया 5C2 2C1 9C2, ये समझ में आ रहा है, NCR इज इक्वल टू, खूब मैंने बताया था ना खूब यूज होता है, देन फाइंड इट्स वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी, देयर आर 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स, उन्होंने बोला है कि भाई इसमें से आपको इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, अब इसे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, सो द नंबर ऑफ वेज क्या कर लोगे जी टू सेलेक्ट 2 बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स मीन्स क्या हुआ, इट इज 5C2 इंटू 6C3, 5 में से 2 लेना है 6 में से, द सिंपलेस्ट वन यू कैन हैव इट इज, इसका वैल्यू निकालिए 5×4/1×2 6×5×4/1×2×3×6 2 कितना हुआ जी 5×20 2000 हो गया, दैट्स ऑल। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन इज स्लाइटली डिफरेंट, देर आर 2 मेन 3 वुमेन, अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी मेड, हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड, याद रखिए बिल्कुल डिफरेंट सवाल हो गया। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक एनसीईआरटी पहुंचे कहीं इस तरह का आया ही नहीं है, पहले बोला था कि इतना ब्लैक इतना व्हाइट इतना रेड इतना प्लेयर वो सब दिया है, यहाँ कह रहा नहीं बताइए 3 का कितना कमेटी बनेगा, तो हमने कहा 3 का कमेटी क्या बनेगा भाई, भाई कुछ आपने जब नहीं बोला है तो हम क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे सब मिला के हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 5, कितने कमेटी बनानी है 3, तो हमने कह दिया कि इट इज 5C3 हो गया। नंबर ऑफ कमिटीज दैट कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू हाउ मच 5C3, दैट इज यू कैन हैव 5C2, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, हमको 3 लोगों की कमेटी बनानी है तो कुछ भी हो सकता है, 3 वुमेन हो सकती हैं, 2 मैन 1 वुमन हो सकता है, 2 वुमेन 1 मैन हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमने कह दिया कि द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज व्हाट 5, कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सन, सो 3 पर्सन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल टूगेदर 5 पर्सन इज इक्वल टू 5C3, वैल्यू 5C2, 5C2 मीन्स व्हाट 5×4/1×2 दैट इज इक्वल टू 10 कमिटीज कैन बी मेड, लेकिन उसमें दिया हुआ ये है कि अगर एक ऐसी कमिटी हो जिसमें 1 मैन एंड 2 वुमेन होनी चाहिए, अगर ऐसी कमिटी कितने बनेगी, बोलेंगे हाँ सर ये चलेगा, याद रखिएगा
ये इस क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ कि अगर वन मैन मीन्स क्या हुआ, इट इज टू सी वन, दो में से एक ले लिया, एंड टू वुमेन लेना है तो क्या करेंगे, थ्री सी टू, यानी हो गया टू इंटू थ्री इंटू टू बाई वन इंटू टू, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सिक्स। अगर आपसे ये कह दे कि भाई तीन की कमेटी बनानी है बट वन वुमेन विल ऑलवेज बी देयर, एक पर्टिकुलर वुमेन जो है कह देगा रहेगी, तो उस केस में हम कहते हैं कि भाई ये टू मैन हो गया और ये थ्री वुमेन हो गया, लेकिन अब ये हो गया टू मैन और इसमें टू वुमेन एंड वन वुमेन हो गई, ये वन में से वन हमेशा रहेगी और यहां से दो आएगा। याद आ रहा, कह रहा है कि एक पर्टिकुलर वुमेन जरूर रहेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं कह रहा हूं अब आप एक्सप्लोर करिए अपने आप को, धीरे-धीरे खोलिए, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, फोर सी टू मल्टीप्लाइड बाई वन सी वन, कहता कि वन मैन रहेगा तो फिर वहां वन मैन कह देते और फोर वहां ले जाते, तो आप लिख देते क्या, ये पर्टिकुलर वुमन, मैं पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर रहेगी ही रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस जब हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे तो देयर आई विल बी डिस्कसिंग अ नंबर ऑफ एक्सलेंट क्वेश्चंस, यू प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट्स गिवन देयर आर 9 कोर्सेस अवेलेबल फॉर ए स्टूडेंट एंड ए स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट फॉर 5 कोर्सेस, 5 सब्जेक्ट उसको लेना है, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि 2 कोर्सेज आर कंपलसरी। जैसे आप स्टैंडर्ड 10 में रहते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं ना भाई कि इंग्लिश और हिंदी लेनी पड़ेगी या 2 लैंग्वेजेस लेना पड़ेगा, तो सब मिला के 9 में से हमने कह दिया कि 2 कंपलसरी हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर 9 कोर्सेज है तो इस पूरे 9 कोर्सेज को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया, एक वो कोर्सेज जो कंपलसरी है और वो कोर्सेज जो क्या है ऑप्शनल है। तो हमारे पास अगर 2 कोर्सेज कंपलसरी हो गए, हमने कह दिया कि भाई ये कंपलसरी है, तो उसके पास ऑप्शनल में क्या हो गया, ऑप्शनल में कितने कोर्सेज हो गए, ऑप्शनल में हो गए 7 कोर्सेज। कितने सब्जेक्ट लेने हैं उसके, कितने कोर्सेज लेने हैं, 5। जैसे आप क्लास 10 वाला देख लीजिए, तो क्लास 10 में आप क्या कहते हो भाई, इंग्लिश हिंदी लेना ही लेना है, तो इस 2 में से तो 2 लेना ही पड़ेगा और उसको सब मिला के कितना लेना है, 5 लेना है, 2 यहां से ले लिया तो निश्चित से जो बाकी बच गया उसमें से 3 लेगा। यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज विल बी 2c2 इनटू हाउ मच, 7c3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 कंपलसरी कोर्सेस विल हैव टू बी टेकन फ्रॉम 2, तो हमने कह दिया ये हो गया सब मिला के 9 है, तो 9 में से 2 और 7 और बाकी के जो 3 है, क्योंकि उसको कोर्स कितना, कितने कोर्सेज लेने हैं, 5, तो बाकी के 3 कोर्सेज 7 में से लेगा, 7c3। यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इज समहाउ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दिस जो मैंने बताया है। ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अब तक जो भी मैंने दिया है एनसीईआरटी से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ देखिए, इन्होंने कहा है कि अ स्टूडेंट हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। एक स्टूडेंट के पास 3 लाइब्रेरी टिकट और कितने हैं जी, 8 ऐसी बुक्स हैं जो उसके इंटरेस्ट के जो ले सकता। द कंडीशन इज कि ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 अनलेस वॉल्यूम 1 इज टेकन। वॉल्यूम 2 वो तभी लेना चाहता है जब वो वॉल्यूम ले ले, यानी वॉल्यूम 2 वो नहीं लेना चाहता है। कब लेना चाहता है, अगर वॉल्यूम मिलेगा तभी वॉल्यूम 2 लेगा, वॉल्यूम 2 लेने का उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वॉल्यूम 2 उसको समझ नहीं, ये उसका मतलब है। तो कह रहे इन हाउ मेनी वेज ही कैन गेट द बुक। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, हमारे हाउ मेनी बुक्स आर देयर, देयर आर 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट। अब यहां से 2 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि व्हेन मैथ्स वॉल्यूम 2 इज टेकन, याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि मैथ्स वॉल्यूम 2 इज नॉट टेकन, यही ना 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वॉल्यूम 2 लेगा या वॉल्यूम 2 नहीं लेगा।
लेकिन जब वॉल्यूम टू जब लेगा तो उस केस में यहां पर उसके पास दो किताबें हो गई, कौन कौन सी, मैथ्स वन एंड मैथ्स टू, क्योंकि टू लेगा तो वन लेगा ही लेगा, मतलब हो गया कि आठ में से दो किताबें तो दो कार्ड तो उसका खर्च हो जाएगा, वॉल्यूम टू लेना है तो उसको वॉल्यूम वन भी लेना है, तो बाकी के जो छह किताबें हैं ये हो गई। याद रखिए इन दो किताबों के लिए उसने क्या कर दिया, दो ले लिया, दो लाइब्रेरी टिकट यूज किया, और इसके लिए मतलब क्या हुआ कि 2C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C1 दैट इज इक्वल टू 6। ये उसका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या याद रखिए, आइदर ये होगा या ये होगा। तो हमने कह दिया कि दैट इज द नंबर ऑफ वेज ही कैन सेलेक्ट द बुक व्हेन ही इज टेकिंग मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। सेकेंड केस व्हेन ही डज नॉट वांट टू टेक मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, जब मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 को नहीं लेना चाहता है तो उस केस में हमारे पास इस पूरे किताब का जो 8 है इसके दो पार्ट हो गए, एक तो ये है, ये मैथ्स 2 हो गया, मतलब यहां एक किताब है और ये 7 किताब है। कंफ्यूज मत करिएगा, कह रहा है कि भाई हम वॉल्यूम 2 नहीं लेंगे, लेकिन उसने याद रखिए कंडीशन किस पर है, कंडीशन किस पर है, कंडीशन है वॉल्यूम 1 तभी लेगा जब वो वॉल्यूम 2 उसको मिलेगा। क्लियर है, वॉल्यूम 1 पर कोई कंडीशन, वॉल्यूम 2 पर कोई कंडीशन नहीं है, या तो वॉल्यूम 2 लेना है नहीं लेना है, कहता भैया हम वॉल्यूम 2 नहीं लेंगे, लेकिन ये थोड़े मना किया कि वॉल्यूम 2 नहीं तो वॉल्यूम 1 भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास किताब वॉल्यूम 2 खत्म हो गया, बाकी किताबें कितनी हो गई, 7, लेकिन इस 7 में चाहे तो तीनों लाइब्रेरी टिकट यूज कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा, 7C3। लेकिन करना क्या है, आइदर दिस वन और दैट वन, तो क्या होगा, 6C1 यानी लिख सकते हो 2C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C1 प्लस, मैंने बोला था आइदर आर, आर होता है तो प्लस होता है, आर 7C3, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज द आंसर। सो दिस वे वी हैव सीन द कॉम्बिनेशन, हमने क्या क्या देखा, कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है, परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन के जो सिंबल्स होते हैं, हमने आपको एक ही सिंबल बताया था, वो आप देख लीजिएगा, एक तो आपने कहा था कि भाई देखो ये NCR होता है, लोग इसको ऐसे भी लिखता है, कहीं कहीं तो लोगों ने इसको ऐसे भी लिखा है, ऐसे करके लिखा है, सी लिख दिया और यहाँ NR कर दिया, जनरली हम इसी को यूज करते हैं, ये भी यूज हो सकता है, ये तो एक पार्ट है, इस तरह से NPR का होता है, वो हम NPR वाले में बता चुके हैं। ये सिंबल हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल माइनस R। डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि अगर 100C3 है तो 199.98 बाई 123 फैक्टोरियल उसे मल्टीप्लाई करते हैं। NCR और NPR में रिलेशन क्या होता है कि NCR इज इक्वल टू NPR बाई फैक्टोरियल R और NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। NCN इज इक्वल टू NC0 इज इक्वल टू 1। NCN NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR। इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार हमने सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए। 9 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, हमने करीब करीब 11-12 क्वेश्चंस अलग से हमने डिस्कस कर दिया। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज बियॉन्ड एनसीईआरटी आई विल बी टेकिंग अराउंड 15-20 क्वेश्चंस। उससे आपका एकदम मतलब अपने आप को आप बहुत बलिष्ठ महसूस करेंगे एंड यू विल फील कि यस हमको भी कुछ आता है। अभी भी आपको कुछ आता है, हमें नहीं कह रहे कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन जब बियॉन्ड वाला जब देख लेंगे तब आपका जो कॉन्फिडेंस, लेकिन याद रखिएगा जब हम आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हम आपको करीब करीब एनसीईआरटी नहीं बल्कि क्लास 12 का जितना प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 30-40% क्वेश्चन हम लोग यही डिस्कस कर लेंगे, बगल में लाइन खींचेंगे कर लेंगे, ताकि फिर आपको अलग से टेंशन है। देखिए लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोगों को कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता। हम कोशिश करेंगे कि हम 11th वाले में ही क्या करेंगे, हम 12th वाला कर लेंगे, भाई मुश्किल तो वहां लगता है ना, 11th में ही हम कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।